एपिसोड 506, वो पायल। ध्रुव ने जैसे ही कहा कि बहुत सारे लोगों की जान खतरे में है तो सब घबरा गए। छलावा ने कहा, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है ध्रुव, इस तरह तो हम सोच भी नहीं सकते थे। वो तो अच्छा हुआ कि किसी और कारण से ही सही तुमने तारा और अनन्या को वहां भेजा, वरना हम तो हमेशा ही इस बात से अनजान रहते और भीतर ही भीतर बहुत कुछ हो जाता। कम से कम हम इस मुसीबत को समझ तो पाए हैं। तुम फिक्र मत करो, इससे निकलने का रास्ता भी निकल आएगा। ध्रुव ने कहा, नहीं छलावा, तू समझ नहीं रहा है। इस मामले में हम इंतजार नहीं कर सकते हैं। हमें जल्दी से जल्दी इसकी तह तक पहुंचना होगा, क्योंकि भीतर ही भीतर कई लोगों की जान मुसीबत में आ चुकी होगी। अभी हमारे सामने सिर्फ सज्जन सिंह आए हैं, लेकिन हम नहीं जानते कितने ही लोग उसके शिकार बन चुके होंगे अब तक। ध्रुव अभी बोल ही रहा था कि तारा ऊंची आवाज में बोली, कौन है वहां? तारा की बात पर सबका ध्यान तारा की तरफ चला गया। अनन्या ने कहा, कौन है, किसे कह रही हो? तारा बोली, मैंने खिड़की पर किसी की परछाई देखी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई भीतर झांक रहा है। अनन्या बोली, नहीं तो वहां तो कोई भी नहीं है, और वैसे भी ये पीछे गौशाला वाले हिस्से की खिड़की है, इस तरफ कौन आ सकता है? और विक्की का घर ऑलरेडी इतना अंदर आकर है कि शाम के बाद जल्दी इस तरफ तो कोई आता भी नहीं है, जब तक कोई काम ना हो। तारा तब तक खिड़की के पास गई और दूसरी तरफ झांक कर देखने लगी, लेकिन दूसरी तरफ सिवाय अंधेरे के और कुछ नहीं था। अनन्या भी वहां आ गई और बोली, देखा, मैंने कहा था ना कोई नहीं है। मुझे लगता है ध्रुव जिस तरीके की बातें कर रहा था ना अभी, इस वजह से तुम्हें वहम हुआ होगा। डोंट वरी, सब ठीक है, विक्की ने कहा। हाँ अनन्या ठीक कह रही है, और वैसे भी देखो ना, इस तरफ कितने जंगल झाड़ उगाए हैं, और ये पपीते का पेड़, ये तो खिड़की के पास ही इतना बड़ा हो गया है, हो सकता है तुमने इसकी परछाई देखी हो। मुझे लगता है सबसे पहले मुझे इसकी सफाई करवानी चाहिए, मैं कल ही यहाँ की सफाई करवाता हूँ। छलावा तो किसी को बुला कर ले आना यार, सुबह पूरे बगीचे की सफाई कर देंगे। हम इतने बिजी हो गए हैं कि सब तरफ ध्यान ही नहीं दे पा रहे, इससे सांप कीड़े का खतरा भी बढ़ गया है, वैसे भी बारिश के दिन शुरू होने वाले हैं। छलावा ने कहा, ठीक है, मैं कल ही किसी को बुला कर लाता हूँ। फिलहाल के लिए ध्रुव तुम ये बताओ कि अभी हमें क्या करना चाहिए। तुम कह रहे हो कि हम इंतजार भी नहीं कर सकते, और यदि इंतजार नहीं कर सकते हैं तो हम खुले तौर पर कर भी क्या सकते हैं? इस मामले में तो हमें कुछ पता ही नहीं है, और जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि किस मकसद से उसे बुलाया गया है, तब तक हम आगे भी तो नहीं बढ़ सकते हैं। ध्रुव ने कहा, मुझे पता है इसमें हमारी मदद कौन कर सकता है। छलावा बोला, कौन कर सकता है? ध्रुव ने कहा, मनवा। मनवा के नाम पर सबकी एक उम्मीद जगी, लेकिन तारा कुछ सोचती हुई बोली, लेकिन ध्रुव, मनवा को भी इस बारे में कुछ पता होगा, तब तो वो हमारी हेल्प करेगा। ध्रुव ने कहा, हाँ ये बात तो है, लेकिन मनवा उसी हवेली में रहता है, और सुमेर सिंह उन लोगों को लगभग सारी चीजें बताता है। मनवा और महादेव दो ऐसे लोग हैं जिनको सुमेर सिंह के बारे में नहीं भी तो भी काफी हद तक सारी चीजें पता होती हैं। तो मनवा को इस बात के लिए एक्टिव कर दे तो वो नजर रखेगा, और कुछ ना कुछ तो जरूर पता चलेगा। एक काम करते हैं, हम जुल्मी को कॉल करते हैं, जुल्मी या सजनी में से कोई मनवा को मिलने के लिए बुलाएगा। वैसे भी सजनी प्रेग्नेंट है, अपने मायके वालों से मिलना चाहती है, या कुछ भी हो सकता है, तो मनवा उन्हीं लोगों के थ्रू आ सकता है, क्योंकि हमें बहुत सतर्कता से काम करना होगा। विक्की, तू जुल्मी को कॉल कर। विक्की ने हाँ में सिर हिलाया और फोन लेकर जुल्मी को कॉल करने लगा, लेकिन विक्की के मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं था। विक्की बोला, क्या मुसीबत है, मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं है। छलावा ने कहा, बाहर का मौसम कुछ ठीक नहीं है, बादल घिरे हुए थे, हो सकता है इस वजह से ऐसा हो, तुम बाहर निकलकर देखो। विक्की ने हाँ में सिर हिलाकर अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ा दिए, बाकी सब वहीं परेशानी में बैठे रहे। विक्की अभी मेन गेट पर पहुंचा ही था कि उसने देखा पीछे की तरफ से एक परछाई दबे पांव निकलकर झाड़ियों की जो दीवार बनी हुई थी उसके बीच से होकर दूसरी तरफ चली गई और बड़ी फुर्ती से भाग गई। ये देखकर विक्की हैरान रह गया और अपने दोस्तों को जोर से आवाज लगाकर बुलाया। विक्की की आवाज पर सब भागते हुए बाहर की तरफ से आए। ध्रुव ने पूछा, क्या हो गया विक्की? विक्की बोला, तारा सही कह रही थी, यहाँ कोई था। ध्रुव हैरानी से बोला, कौन था? विक्की ने कहा, मुझे नहीं पता, जब मैं यहाँ कॉल करने आया तो मैंने देखा कि पीछे की तरफ से कोई निकलकर दबे पांव आया है, और ये जो झाड़ियों की दीवार बनी हुई है इसके बीच से निकलकर दूसरी तरफ चला गया, इससे पहले मैं कुछ समझ पाता वो बड़ी फुर्ती से भाग गया। छलावा ने कहा, क्या बात कर रहे हो, तुमने कुछ तो देखा होगा, आदमी था, औरत थी, कौन था? विक्की ने कहा, उस तरफ बहुत अंधेरा था छलावा, ये तो यहाँ की लाइट की वजह से थोड़ा थोड़ा वहां दिख रहा है, तो एक साए की तरह वो निकला, मैं नहीं देख पाया कि वो कौन था। ध्रुव ने कहा, इसका मतलब कोई हम पर नजर रख रहा है। तारा बोली,
कोई कौन हो सकता है? सुमेर ही होगा या उसके कोई चमचे होंगे? सुमेर तो खुद नहीं होगा, उसने अपने किसी चमचे को ही भेजा होगा। इसका मतलब सुमेर को शक हो गया है कि हम लोग जान चुके हैं उसके प्लान के बारे में। ध्रुव ने कहा, क्या पता, अभी तो कुछ नहीं कह सकते और क्लियरली तो कुछ देखा भी नहीं है ना कि कौन था। जो भी था उसने जो भी सुनना था जो भी देखना था वो तो देख ही चुका होगा। विकी, जल्दी जुल्मी को कॉल कर, हमें तुरंत मनवा की मदद चाहिए होगी। एक मिनट, ये जो कोई भी था उसने हमारी सारी प्लानिंग तो नहीं सुन ली? विकी ने कहा, हो सकता है, ये भी हो सकता है कि उसने मनवा के बारे में भी सुन लिया हो। हे भगवान, कहीं मनवा मुसीबत में ना आ जाए। ध्रुव ने कहा, रहने दे, अभी मनवा को रहने देते हैं, इसमें अभी उसको शामिल नहीं करते। मैं नहीं चाहता कि इन सब चीजों की वजह से उस पर कोई मुसीबत आए, वरना इसके जिम्मेदार हम ही होंगे। अब क्या करें, मनवा से भी मदद नहीं ले सकते, हवेली जाकर हम कुछ मालूम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तारा जैसे बता रही थी कि सुमेर ने तो आरपारी जंग कर दिया है, इन लोगों को अपने घर से बाहर तक निकलने का बोल दिया। तो जब वो तारा के साथ ऐसा सलूक कर सकता है तो हम लोगों को तो घुसने ही नहीं देगा हवेली में, और वैसे भी हमें वो क्यों ही घुसने देगा। फिर तो छलावा तुझे ही ये काम करना पड़ेगा, तुझे ही मालूम करना पड़ेगा हवेली जाकर। छलावा बोला, लेकिन मैं कैसे? ध्रुव ने कहा, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं तुम उन्हीं लोगों में से एक हो, लोगों की नजर में, और तुम्हारी बहन भी है वहां। तुम्हारी बहन? हाँ, चेरी से याद आया, काफी वक्त से ये सब बिल्कुल ही शांत बैठे हुए हैं। जब से छलावा को चेरी के काले जादू से निकाला गया है उसके बाद से चेरी कुछ नहीं कर रही है, वो बिल्कुल शांत बैठी हुई है, छलावा से ज्यादा कुछ कहती नहीं है। सुमेर भी बहुत शांत शांत सा है। आखिर इन सब चीजों के पीछे क्या मतलब हो सकता है? और ऐसे में कर्कशा का आना? सुमेर अब खुद खुलकर सामने नहीं आना चाहता है, वो ये दिखा रहा है कि वो शांत पड़ गया है। वो कहते हैं ना, तूफान के आने से पहले का सन्नाटा, ये सन्नाटा कुछ वैसा ही है, हमें सन्नाटे में हलचल लानी पड़ेगी। छलावा ने कहा, ठीक है, तो मैं कल ही हवेली जाता हूँ और देखता हूँ कि मुझे क्या मालूम चलता है। अभी मैं चलता हूँ, मैं तुम लोगों से कल मिलूंगा। कल सुबह मैं मजदूरों को लेकर आता हूँ यहाँ की सफाई के लिए, क्योंकि ये झाड़ियाँ बहुत सारे लोगों को छुपने में भी मदद करने लगी हैं, अब तो इसकी सफाई जरूरी ही हो गई है। छलावा अपने घर चला गया। बाकी सब भी इन्हीं सब टेंशन के बारे में बात करते रहे और काफी देर बाद वो लोग भी आखिर थक कर सो गए। अगली सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। ध्रुव की आंख खुली और उसने विकी को उठाते हुए कहा, विकी उठ, मुझे लगता है छलावा मजदूरों को लेकर आ गया है, काफी देर भी हो गई है। ध्रुव जल्दी से उठकर दरवाजा खोलने गया तो देखा वाकई में छलावा अपने साथ दो लोगों को लेकर आया था। उन लोगों को काम समझा दिया और छलावा भीतर आ गया। तब तक तारा और अनन्या भी उठ गई थी और वो दोनों सबके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करने चली गई। थोड़ी देर बाद चाय नाश्ता कर लिया और बाहर आकर देखने लगे कि आखिर मजदूरों ने कितना काम किया है। पीछे की तरफ की सफाई चली रही थी कि उनमें से एक मजदूर बोला, ये क्या है? छलावा ने कहा, क्या हो गया? वो मजदूर बोला, आकर यहाँ देखिए, ये पायल मिला है, आप लोगों का होगा। विकी ने कहा, हम क्या तुम लोगों को पायल पहनकर घूमते रहने वाले दिखते हैं? मजदूर ने कहा, अरे नहीं नहीं साहब, हमारा मतलब है ये दोनों मैडम है ना, इनका होगा। तारा ने उस पायल को उस मजदूर के हाथ से ले लिया और बोली, अनन्या तो पायल पहनती नहीं, और मैं पहनती भी थी तो ये मेरा पायल नहीं है। अनन्या ने कहा, ये पायल है ही नहीं, ये तो एक पैर में पहनने के लिए एंकलेट है, ये किसका है? तभी तारा को याद आया कि कल की रात उसने यहाँ किसी को देखा था। तारा उन मजदूरों की तरफ देख कर बोली, इनके सामने तो कुछ किया नहीं जा सकता। तारा ने उस एंकलेट को ले लिया और बोली, हो सकता है ये सजनी का हो, हम सजनी से पूछ लेंगे, भैया आप लोग काम करिए। इतना कहकर तारा सामने की तरफ आ गई और बोली, दोस्तों मुझे लगता है कि कल जिस परछाई को मैंने देखा था खिड़की के पास और विकी ने भी किसी को भागते देखा था, हो ना हो ये उसी का हो सकता है, और इससे साबित होता है कि वो कोई लड़की थी और जिस जगह पर ये गिरा मिरा है उसी जगह पर वो खड़ी होगी, पर जब वो भागी होगी तो उस चक्कर में उसका एंकलेट किसी झाड़ी में फंस कर गिर गया होगा। छलावा ने तारा के हाथों से एंकलेट को ले लिया और उसे ध्यान से देखने लगा। विकी ने कहा, तो इतने गौर से क्यों देख रहा है, तुझे पसंद आ गया, तुझे पहनना है? छलावा बोला, क्या बकवास कर रहे हो, मुझे तो ये कुछ देखा देखा सा लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है मैंने किसी को तो ये पहने हुए देखा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा मैंने उसको देखा कहाँ है। अनन्या ने कहा, कहीं चेरी के पास तो नहीं देखा है? छलावा बोला, नहीं नहीं, चेरी को तो नहीं देखा है, और किसको देख सकता हूं मैं। तारा ने कहा, याद करने की कोशिश करो, क्योंकि ये जिसका है कल वही था, हो ना हो मैं पक्के तौर पर कह सकती हूँ कल वही थी जो हमारी बातें सुन रहा था। वो लोग एंकलेट के बारे में बात कर ही रहे थे कि रूप इन लोगों की तरफ आती दिखी और छलावा को देखकर बोली, मुझे पता था छलावा जी आप मुझे यहीं मिलेंगे। अचानक रूप को देखकर वे लोग हैरान हो गए।
छलावा मुस्कुरा कर बोला, रूप जी आप यहाँ, वो भी इस वक्त, कुछ काम था आपको? रूप ने कहा, मैं तो आपके घर गई थी पहले, लेकिन आप वहाँ थे ही नहीं, तो मुझे लगा कि आप उस घर में नहीं है तो अपने दूसरे घर में ही होंगे। आप लोग क्या कर रहे हैं? ये मजदूर, साफ सफाई, आपके यहाँ दिवाली जल्दी आ रही है? छलावा हंसता हुआ बोला, ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल झाड़ियां बहुत हो गई थी तो उससे सांप कीड़ों का भी खतरा बढ़ जाता है, तो बस इसलिए सफाई करवा रहे थे। आप बताइए, आप मुझे क्यों ढूंढ रही थी? तभी उन लोगों ने देखा रूप बड़े गौर से इधर उधर देख रही थी। छलावा बोला, क्या देख रही हैं आप इतने गौर से? रूप बोली, हाँ वो नहीं, मैं कुछ देख नहीं रही थी, मैं तो बस सोच रही थी कि यहाँ की सफाई हो जाए और थोड़ा बहुत इस जगह को अपग्रेड कर दिया जाए, तो यहाँ पर शाम को चाय पीने का मजा ही कुछ और होगा। चारों तरफ हरियाली से घिरा हुआ है ना, वैसे मैं इसलिए आई थी क्योंकि मुझे मार्केट का कुछ काम था। तो आप चलेंगे मेरे साथ? जुल्मी जीजा जी थोड़ा बिजी है, तो मैंने सोचा कि अगर आप मेरे साथ चलने तो। इतना कहते हुए रूप की नजर छलावा के हाथ में पड़े एंकलेट पर गई और उसकी आंखें चमक गई।